सिंह सवारी मैया करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से तू बलशाली अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवार की ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। गंगे तू है जगदंबे काली, जय दुर्गे खंभर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना मैया।
Thank you.
सती दांतों की कौमारी सती इस कंठ की माँ चंडिका और चित्र घंटा घंटी की कामाक्षी माता ठोड़ की माँ मंगला इस वाणी की ग्रीवा की भद्र काली माँ रक्षा करे जगतार।
बताया सभी शक्तियाँ जग की करके एकत्रित है मिट्टी की देह को इसे जो पहनाया चमन जिसने श्रद्धा से इसको पढ़ा जो सुना तो भी मुँह मांगा वरदान पाया जो संसार में अपने मंगल को चाहे तो हर दम कवच ये ही गाता चला जा बियाबान जंगल दिशाओं देशों में तू शक्ति की जय जय मनाता चला जा तू जल में तू थल में तू अग्नि पवन में कवच पहन कर मुस्कुराता चला जा निडर हो विचर मन जहाँ तेरा चाहे चमन कदम आगे बढ़ाता चला जा तेरा मान मन श्रद्धा से पढ़कर जो चाहे तो मुँह मांगा वरदान पाए इस स्तुति के पाठ से पहले कवच पढ़े कृपा से आदि भवानी की बल और बुद्धि बढ़े से जब तारे जगदम्बे का नाम सुख भोगे संसार में अंत मुक्ति सुख धाम कृपा करो मातेश्वरी पालक चमन नदान तेरे दर पर आ गिरा करो मैया कल सह दोष दुख दल निकरो देवी दाया विश्व मूला से जन सानुकूला से कर शूल धारिणी महामूल माया दड़ित गर्भांग सर्वांग सुंदर लसत दिव्य पट भव्य भूषण विराजय बाल मृग मंजु खंजन विलोचनी चंद्रवद निलखि कोटि रति मार लाजय सुखशील सीमासी भीमासी रामासी वामासी वर बुद्धिबानी
झमुक है रंब अंबासी जगदम्बिके। शंभु जायासि जय जय भवानी। चंड भुज दंड खंडनि बिहंडनि महिष मुंड मद भंग कर अंग तोरे। शुंभ निह शुंभ कुंभीषरण केशरिणी क्रोध वारीश अरिवृंद बोरे। आगम अगम गुर्वी तव गुन कथन उर्वी धर करत जे ही सहस जीहा। देहि मामोहि पन प्रेम यह नेम निज राम घन श्याम तुलसी पपीहा। सह दोष दुख दल निकरो देवी दाया। विश्व मूलासि जन सानुकूलासि कर शूल धारिणी महामूल माया। दड़ित गर्भांग सर्वांग सुंदर लसत दिव्य पट भव्य भूषण विराजय। बाल मृग मंजु खंजन विलोचनी चंद्रवदिनी लखी कोटि रति मार लाजय। सुखशील सीमासी भीमासी रामासी वामासी वर बुद्धिबानी। झमुख है रंब अंबासी जगदम्बिके। शंभु जायासि जय जय भवानी। चंड भुज दंड खंडनि बिहंडनि महिष मुंड मद भंग कर अंग तोरे। शुंभ निह शुंभ कुंभीषरण केशरिणी क्रोध वारीश अरिवृंद बोरे। ॐ दुर्गाय
नमः ओम महालक्ष्मी नमः ओम महाभूतये नमः ओम चंडिकाये नमो नमः निगम आगम अगम गुरवी तव गुण कथन उर्विधर करत जेहि सहस जीहा देहि मा मोहि पन प्रेम यह नेम निज राम घन श्याम तुलसी पपीहा सह दोष दुख दल निकरो देवी दाया विश्व मूला से जन सानुकूला से कर शूल धारिणी महामूल माया तड़ित गर्भांग सर्वांग सुंदर लसत दिव्य पट भव्य भूषण विराजै बाल मृग मंजु खंजन विलोचनी चंद्रवदिनी लखि कोटि रति मार लाजै सुखशील सीमासी भीमासी रामासी वामासी वर बुद्धिबानी छमुख हे रंब अंबासी जगदंबिके शंभु जायासी जय जय भवानी चंड भुज दंड खंडनि बिहंडनि महिष मुंड मद भंग कर अंग तोरे शुंभ निह शुंभ कुंभीषरण केशरिणी क्रोध वारीश अरिवृंद बोरे आगम अगम गुरवी तव गुण कथन उर्विधर करत जेहि सहस जीहा देहि मा मोहि पन प्रेम यह नेम निज राम घन श्याम तुलसी पपीहा जगदम्बा के एक अवतार की बात बताते हैं हम एक बात बताते हैं
माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी के रूप में माँ दुर्गा का दर्श कराते हैं, मंगल दर्श कराते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बार जब सभी देवता असुरों से हारे, भटक रहे थे त्रिभुवन में सारे मारे मारे, त्रिभुवन में मारे मारे। इंद्रदेव को तब माता के वचन याद आए, महिषासुर वध पर जो दिया था उनको दोहराए, उनको दोहराए। इंद्रदेव बोले जगदम्बा वचन निभाएंगी, कष्ट हमारे हरने माता अवश्य आएंगी, माता अवश्य आएंगी। सबने मिलकर आदिशक्ति माँ का आह्वान किया, तब माता ने होके प्रकट उनको वरदान दिया, उनको वरदान दिया। सभी देव माँ जगदम्बा को शीश झुकाते हैं, माँ का गुण यश गाते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आश्वासन से देव सभी निश्चिंत हुए, करके माँ को प्रणाम सब अपने धाम को लौट गए, अपने धाम को लौट गए। माँ ने खल दुष्टों असुरों दैत्यों को दंड दिया, देवों साधु संतों भक्तों का दुख दूर किया, भक्तों का दुख दूर किया। वही आदिशक्ति जगदम्बा तीन रूप धरती, सरस्वती लक्ष्मी काली जग संचालन करती, जग संचालन करती। इन्हीं तीन शक्तियों ने मिल कन्या का रूप लिया, धरती लोक सहित तीनों लोकों को धन्य किया, लोकों को धन्य किया। माँ के कन्या रूप को त्रिभुवन शीश झुकाते हैं, त्रिभुवन शीश झुकाते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता के एक परम भक्त थे श्रीधर जिनका नाम, माता को अर्पित था उनके जीवन का हर काम, उनके जीवन का हर काम। सुमिरन चिंतन ध्यान भजन में बस माता माता, श्रीधर के तन मन जीवन में बस माता माता, बस माता माता। दिन श्रीधर कहीं जा रहे थे एक जंगल से, एक आवाज सुनी जो निकली थी किस पायल से, निकली थी किस पायल से।
पायल की मीठी पावन झनकार सुनाई दे। पर श्रीधर को कोई भी ना वहाँ दिखाई दे, वहाँ दिखाई दे। वैष्णो माँ की लीला श्रीधर समझ न पाते हैं, कुछ भी समझ न पाते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हाथ जोड़ कर श्रीधर ने माता को प्रणाम किया। कन्या रूप में तब माता ने उनको दर्श दिया, उनको दर्श दिया। गदगद होकर श्रीधर बोले धन्य हुआ मैया, अब तो भवसागर से तर ही जाएगी नैया, तर ही जाएगी नैया। माता बोली श्रीधर तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ मैं, अब घर जाकर वही करो जो तुमसे बोलूँ मैं, जो तुमसे बोलूँ मैं। अपने बंधु बांधव और सौ ब्राह्मण बुलवाओ, ब्रह्म भोज अपने घर पर तुम श्रीधर करवाओ, तुम श्रीधर करवाओ। माँ की आज्ञा श्रीधर सादर शीश चढ़ाते हैं, सादर शीश चढ़ाते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ तो अंतर ध्यान हो गई ये आज्ञा देकर, ब्रह्म भोज कैसे होगा ये सोच रहे श्रीधर, ये सोच रहे श्रीधर। दो जन का दो समय का भोजन जुटा नहीं पाते, श्रीधर पत्नी सहित कभी भूखे ही सो जाते, भूखे ही सो जाते। ब्रह्म भोज ये दरिद्र ब्राह्मण कैसे कराएगा, सौ सौ लोगों का भोजन ये कहाँ से लाएगा, ये कहाँ से लाएगा। पर माता की आज्ञा को श्रीधर ने मान लिया, माता के विश्वास पे ब्रह्म भोज को ठान लिया, ब्रह्म भोज को ठान लिया। श्रीधर बंधु बांधव और ब्राह्मण को बुलाते हैं, सौ ब्राह्मण को बुलाते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ जी को बुलाया था, साथ ही उनका चेला भैरवनाथ भी आया था, भैरवनाथ भी आया था। भैरवनाथ बड़ा ही तपस्वी ज्ञानी ध्यानी था, पर व्यवहार में बड़ा अहंकारी अभिमानी था, अहंकारी अभिमानी था। ब्राह्मण सब हो गए इकट्ठे पर कुछ भोग न था, और कहीं से कुछ मिलने का कोई योग न था, कोई योग न था।
श्रीधर को विश्वास है माता अवश्य आएंगी और वही संपन्न ये ब्राह्मण भोज कराएंगी। ब्राह्मण भोज कराएंगी। हाथ जोड़ के शीश झुका के माँ को मनाते हैं, श्रीधर माँ को मनाते हैं, माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्रीधर ने सुनाई कन्या रूप में प्रकट हो गई जगदम्बा माई। जगदम्बा माई बोली तुम चिंता ना करो सब कुछ हो जाएगा, हर ब्राह्मण अपना मन चाहा भोजन पाएगा। मन चाहा भोजन पाएगा। प्रकट हो गई भोजन से भर के अनगिन थाली, स्वास्थ्य तन को और मन को संतुष्टि देने वाली। संतुष्टि देने वाली। श्रीधर का भंडार भर गया सुख समृद्धि आई, जप तप और संतोष का फल दिया यू महामाई। फल दिया यू महामाई। श्रीधर पत्नी सहित सुखी संतुष्ट हो जाते हैं, माँ का गुण यश गाते हैं, माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्राह्मण तो संतुष्ट हो गए पर भैरव न हुआ, कन्या रूपी जगदम्बा से वो यूं बोल पड़ा। वो यूं बोल पड़ा। मैं ये 56 भोग मिठाई मेवा न खाऊंगा, मदिरा मांसाहार से ही मैं भूख मिटाऊंगा। माँ बोली ये वैष्णव ब्राह्मण भोज है भैरवनाथ, सात्विक भोजन करो शांति और शिष्टाचार के साथ। शिष्टाचार के साथ। अहंकार में डूबा भैरवनाथ न कुछ माना, उसने पकड़ा हाथ तो माँ हो गई अंतर्धाना। भैरव को गुरु गोरखनाथ जी फिर समझाते हैं, धर्म की बात बताते हैं, माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। के चल जाने पर भैरव पीछे पीछे चला, धरती क्या नभ में भी माँ के पीछे पीछे उड़ा। माँ के पीछे पीछे उड़ा। उड़ते उड़ते जाके हिमालय पर पहुंची माता, मुड़कर पीछे देखा तो भैरव भी था आता। वहीं हिमालय की चोटी पर बैठे थे हनुमान, लांगुर वीर परम बलशाली बुद्धिमान बलवान। बुद्धिमान बलवान।
माँ बोली तुम पहरा दो मैं अंदर जाती हूँ। इस अभिमानी भैरव नाथ से पिंड छुड़ाती हूँ, पिंड छुड़ाती हूँ। कर प्रणाम हनुमान जी पहरे पर डट जाते हैं, पहरे पर डट जाते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता ने फिर वही त्रिशूल से गुफा बनाई है और गुफा में जाकर ध्यान समाधि लगाई है, ध्यान समाधि लगाई है। पीछे पीछे भैरव नाथ भी आ ही पहुंचा वहां, हनुमत से पूछा वो मायावी कन्या है कहां, मायावी कन्या है कहां। जब हनुमान ने उससे कारण और परिचय पूछा, क्रोधित भैरव काल के जैसा हनुमत पर टूटा, हनुमत पर टूटा। भैरव नाथ और हनुमत में हुआ युद्ध भारी, दोनों ही योद्धा बलधारी बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। एक दूजे से दोनों युद्ध में जीत न पाते हैं, युद्ध में जीत न पाते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गुफा में कन्या बन के गई थी जगदम्बा माई, पर बाहर माँ वैष्णो अर्ध कुमारी बन आई, अर्ध कुमारी बन आई। भैरव को समझाना चाहा पर वो ना समझा, अहंकार और काल का मारा माता से उलझा, माता से उलझा। तब माता ने त्रिशूल चला उसका सिर काट दिया, पाप किया था फिर भी माता ने उद्धार किया, माता ने उद्धार किया। यहीं पे फिर माता ने बाण गंगा प्रगटाई है, जिसके जल से बजरंगी ने प्यास बुझाई है, प्यास बुझाई है। हनुमत संग सब देवी देव जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ जगदम्बा के एक अवतार की बात बताते हैं, हम एक बात बताते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंड के रूप में माँ दुर्गा का दर्श कराते हैं, मंगल दर्श कराते हैं। माँ वैष्णो रानी की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
बेटा पुकार है मैया दौड़ी चली आए तू, बेटा पुकार है मैया दौड़ी चली आए तू, बेटा पुकार है मैया दौड़ी चली आए तू, बेटा पुकार है मैया दौड़ी चली आए तू। भक्तों की आंखों में आंसू देख नहीं पाए तू, बेटा पुकार है मैया दौड़ी चली आए तू, बेटा पुकार है मैया दौड़ी चली आए तू। भक्तों की आंखों में आंसू देख नहीं पाए तू, बेटा पुकार है मैया दौड़ी चली आए तू, बेटा पुकार है मैया दौड़ी चली आए तू। मैया तेरी महिमा ऐसी गाए वेद पुराण भी, माँ के चरणों में खुद आके झुक जाते भगवान भी। मैया तेरी महिमा ऐसी गाए वेद पुराण भी, माँ के चरणों में खुद आके झुक जाते भगवान भी। तेरी शरण में जो भी आए, तेरी शरण में जो भी आए, माँ कृपा बरसाए तू, बेटा पुकारे मैया भक्तों की आंखों में आंसू देख नहीं पाए तू, बेटा पुकार है मैया दौड़ी चली आए तू, बेटा पुकार है मैया दौड़ी चली आए तू। चौखट के दीवाने खींचे चले आते हैं माँ, तेरे दीद को तर से खुद को रोक नहीं पाते हैं माँ। तेरी चौखट के दीवाने खींचे चले आते हैं माँ, तेरे दीद को तर से खुद को रोक नहीं पाते हैं माँ। तेरे दर पे जो आते हैं, तेरे दर पे जो आते हैं, उनका भाग जगाए तू, बेटा पुकारे मैया दौड़ी चली आए तू, बेटा पुकारे मैया दौड़ी चली आए तू। भक्तों की आंखों में आंसू देख नहीं पाए तू, बेटा पुकारे मैया दौड़ी चली आए तू, बेटा पुकारे मैया दौड़ी चली आए तू। आज मेरे घर तू आ जाना आंगन चौक पुराया माँ, दूर भला क्यों बेटे से तेरे आंचल की छाया माँ। आज मेरे घर तू आ जाना आंगन चौक पुराया माँ, दूर भला क्यों बेटे से तेरे आंचल की छाया माँ। दिल से याद करे जो कोई, दिल से याद करे जो कोई, तनिक न देर लगाए तू, बेटा पुकारे मैया भक्तों की आंखों में आंसू देख नहीं पाए तू, बेटा पुकार है मैया दौड़ी चली आए 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 तू
तूने लाखों को तारा मेरी मैया के, आज मेरी बारी आई है। देख ले मुझको तकदीरों को बनाने वाली, नजर उठा के देख ले मुझको तकदीरों को बनाने वाली, पड़ा हूँ चरणों में माँ तेरे, शरण में ले लो अम्बे रानी, मेरा लाड़ करो माँ भवानी। तूने लाखों को तारा मेरी मैया के, आज मेरी बारी आई है। तुझसे कुछ भी छुपाना मैया, बरसों से बरसे है नैना, तुझसे कुछ भी छुपाना मैया, रात रात भर नींद ना आए, चैन मिले ना मुझको मैया, मेरे कष्ट हरो माँ भवानी, आज मेरी बारी आई है। तूने लाखों को तारा मेरी मैया के, आज मेरी बारी आई है। बात तुझसे कहने आया, मैं तो अपने दिल की सारी बात तुझसे कहने आया, रहे हमेशा सर पे मेरे ममता मई माँ तेरी छाया, मेरी बिगड़ी सवारों माँ भवानी, आज मेरी बारी आई है। तूने लाखों को तारा मेरी मैया के, आज मेरी बारी आई है। तुझे दिल से पुकारा मेरी मैया, ओ तुझे दिल से पुकारा मेरी मैया के, आज मेरी बारी आई है। तूने लाखों को तारा मेरी मैया के, आज मेरी बारी आई है। तूने लाखों को तारा मेरी मैया के, आज मेरी बारी आई है।
अम्बे रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, अम्बे रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, माता रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, माता रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा। राजा हो या रंग है मैया, हर कोई तेरे दर पे है खड़ा, अम्बे रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, अम्बे रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, माता रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, माता रानी दरबार तेरा सबसे सहारों का तू सहारा बन जाए, डूबने वालों का किनारा बन जाए, हो बेसहारों का तू सहारा बन जाए, डूबने वालों का किनारा बन जाए, जो भी तेरे दर आया वो मन चाह वर पाया, जो भी तेरे दर आया वो मन चाह वर पाया, माँ तू भक्तों पे छलकाती अमृत का घड़ा, अम्बे रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, अम्बे रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, माता रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, माता रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा। विश्वास जग जाए, आस तेरे दर्शन की जो लग जाए, ओ मन में अटूट विश्वास जग जाए, आस तेरे दर्शन की जो लग जाए, हर मुश्किल से दूर हुआ वो न कभी मजबूर हुआ, हर मुश्किल से दूर हुआ वो न कभी मजबूर हुआ, आया तेरी ममता का जिस पे पड़ा, अम्बे रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, अम्बे रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, माता रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, माता रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा। तेरे दर्शन की दीवानी, सबकी सुनी है तूने सबकी है मानी, ओ दुनिया है तेरे दर्शन की दीवानी, सबकी सुनी है तूने सबकी है मानी, भर देती भंडारे माँ जो भी तेरे सहारे माँ, भर देती भंडारे माँ जो भी तेरे सहारे माँ, तेरे दर पे मैया कोई छोटा ना बड़ा, अम्बे रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, अम्बे रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, माता रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, माता रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा। राजा हो या रंग है मैया, हर कोई तेरे दर पे है खड़ा, अम्बे रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, अम्बे रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, ओ माता रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, माता रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा, अम्बे रानी दरबार तेरा सबसे बड़ा। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय।
मैया खोल दे नैना, तेरे दरबार आया हूँ। खोल दे नैना तेरे दरबार आया हूँ। खोल दे नैना तेरे दरबार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना तेरे दरबार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना तेरे दरबार आया हूँ। सुना है तेरे चरणों में सवाली रोज आते हैं, मुरादे मन की कर पूरी यहाँ से लोग जाते हैं। हाँ सुना है तेरे चरणों में सवाली रोज आते हैं, मुरादे मन की कर पूरी यहाँ से लोग जाते हैं। मैं तुझ पे मान के अपना ये अधिकार आया हूँ। मैं तुझ पे मान के अपना ये अधिकार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना तेरे दरबार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना तेरे दरबार आया हूँ। कभी माया के घेरे में तेरा सुमिरन न कर पाया, खुली है अब मेरी आंखें लगे ये मन भी घबराया। कभी माया के घेरे में तेरा सुमिरन न कर पाया, खुली है अब मेरी आंखें लगे ये मन भी घबराया। तेरी सेवा में तज के मैं घर बार आया हूँ। तेरी सेवा में तज के मैं घर बार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना तेरे दरबार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना तेरे दरबार आया हूँ। तेरे आंचल की छाया में मेरा जीवन गुजर जाए, मिले जो तेरी ममता तो कोई अब और क्या चाहे। ओ तेरे आंचल की छाया में मेरा जीवन गुजर जाए, मिले जो तेरी ममता तो कोई अब और क्या चाहे। मैं करने पूरा ये सपना अब की बार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना तेरे दरबार आया हूँ। तेरे बिन ना मिले चैना तेरे दरबार आया हूँ।